मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, MA HSC के फोर्थ सेमेस्टर में आज हम ग्रुप वन के फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इकोनॉमिक्स पेपर के अंतर्गत वर्क सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वर्क सिंप्लीफिकेशन इट मीन्स कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण क्या है, कार्य सरलीकरण को हम कैसे समझ सकते हैं, कार्य सरलीकरण का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, आज ये हमारा मुख्य विषय है। कार्य सरलीकरण कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य का संपन्न किया जाना और थकान का कम से कम अनुभव होना। हम कार्य को इस पद्धति से करें कि हमारा जो कार्य है वो सरलतम तरीके से किया जाए, उसमें अवधि भी कम यूज़ हो और वो कम ऊर्जा खर्च करके बिना थकान के संपन्न हो सके। कार्य को करने में हमें शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, ये हम सब जानते हैं। अब कार्य को हम कैसे समझेंगे कि कार्य कैसे सरलीकृत हो। कार्य सरलीकरण के लिए कुछ तत्व दिए गए हैं, पहला कार्य, दूसरा कार्यकर्ता और तीसरा कार्य क्षेत्र। कार्य से क्या तात्पर्य है, कार्य से तात्पर्य है हल्का कार्य, साधारण कार्य और भारी कार्य। भारी कार्य वो कार्य होते हैं जिसमें लगभग 150 से 200% ऊर्जा हमारी अधिक व्यय होती है। साधारण कार्य के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जिनमें लगभग 100 से 150% तक ऊर्जा व्यय होती है, और हल्के कार्य के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जिसमें 100% से कम ऊर्जा व्यय होती है। अब हम बात करेंगे कार्यकर्ता की। कार्यकर्ता से क्या तात्पर्य है, कार्यकर्ता से तात्पर्य है वह व्यक्ति विशेष जो उस कार्य को संपन्न करने वाला है, जो कि हल्के, भारी और साधारण कार्यों के लिए कम समय में अधिक से अधिक कार्य को संपन्न कर सकता हो, उसे हम उचित कार्यकर्ता के रूप में किसी भी कार्य के लिए व्यवस्थित रूप से सही मानते हैं कि ये व्यक्ति कार्य विशेष को संपन्न कर पाएगा। हर कार्य हर व्यक्ति द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता, ये हम सभी जानते हैं। तो जो भी कार्य हमें अपने प्रबंधन के उद्देश्य से करना है, उस कार्य में वह व्यक्ति विशेष निपुण होना चाहिए, तभी वह कार्य को सरलीकृत तरीके से संपन्न कर पाएगा और उसे कम से कम थकान में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए हम व्यवस्थित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कार्य क्षेत्र की। कार्य क्षेत्र से क्या तात्पर्य, कार्य क्षेत्र से तात्पर्य है किसी भी कार्य के किए जाने के लिए कोई क्षेत्र विशेष, कोई विशेष स्थान जहाँ पर उस कार्य को संपन्न किया जाना है। जैसे कि यदि हम कक्षा ले रहे हैं तो कक्षा के लिए एक कमरा होना चाहिए, स्टूडेंट्स होने चाहिए, टीचर होने चाहिए, एक क्लासरूम व्यवस्थित रूप से दिखाई पड़े उसके लिए एक बोर्ड होना चाहिए, वहाँ पे चौक वगैरह होनी चाहिए। अगर वहाँ पे स्टूडेंट नहीं हो या टीचर नहीं हो या बोर्ड ना हो तो वो व्यवस्थित कक्षा के रूप में नहीं समझा जा सकता। इसी प्रकार से किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें उस कार्य से संबंधित कार्य क्षेत्र की व्यवस्था अपनानी पड़ती है। उस कार्य क्षेत्र का संबंध उस विशेष कार्य से होता है। जैसे यदि हमें कपड़े फैलाना है तो उसके लिए हमें कपड़े का हैंगर चाहिए, कोई विशेष खुला स्थान चाहिए जहाँ पर कपड़ों को सुखाया जा सके, या हमें यदि कपड़े धोने हैं तो उसके लिए वो स्थान होना चाहिए जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, साबुन सर्फ की व्यवस्था हो या मशीन आदि की व्यवस्था हो। तो ये हमारा कार्य क्षेत्र है। अब कार्य, कार्यकर्ता और कार्य क्षेत्र, ये तीनों ही हमारे कार्य को सरलीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन कुछ तत्व हैं जो कि कार्य के सरलीकरण को प्रभावित करते हैं। वो तत्व कौन कौन से हैं? नंबर 1, शरीर के अंगों की उचित मुद्रा। शरीर के अंगों की उचित मुद्रा से तात्पर्य ये है कि जो अंग किसी भी कार्य के लिए हम प्रयोग में ला रहे हैं उनकी मुद्रा उचित हो, जैसे कि वो लय में कार्य कर सकते हों, वो हमें सहयोग करें हमारे कार्य को करने में, हमारी मांसपेशियों की थकान हमें कम अनुभव हो। ऐसे कार्यों को हम शरीर के अंगों की उचित मुद्रा के रूप में समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम आटा गूंथ रहे हैं और जो वर्क प्लेस है वो हमारे नेवल पॉइंट के ऊपर है, बहुत ऊंचाई पर है, तो आटा गूंथने में हमें दिक्कत का अनुभव होगा। यदि वो नेवल पॉइंट के बहुत नीचे है, हमारे नीज के पास है, तो भी हमें बहुत दिक्कत का अनुभव होगा।
लेकिन यदि वह स्थान हमारे नेवल पॉइंट के पास है, हमारे शरीर का भार जहाँ केंद्रित हो रहा है, वहाँ से यदि कोई कार्य हम कर रहे हैं, तो उसको करने में हमें कम थकान का अनुभव होता है और साथ ही साथ कम ऊर्जा व्यय करके हम उस कार्य को सरलतापूर्वक संपन्न कर पाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा जो भी कार्य हम कर रहे हैं, उसको कौन सा तत्व प्रभावित करता है? लय में कार्य करना। यदि हम कोई कार्य करते करते बीच में कोई अन्य कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, हमारे लय जो है वो टूट जाती है उस कार्य को करने की, तो हमारा कार्य प्रभावित हो जाता है और वो सरलीकृत ढंग से संपन्न नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको लय में करें। जैसे यदि हमें बर्तन धोना है, अलग अलग प्रकार के बर्तन हमारे पास हैं, तो हम अलग अलग प्रकार के बर्तनों में से एक प्रकार के बर्तनों को इकट्ठा छांट लें, संग्रहित करें और उसके बाद उनको धोना प्रारंभ करें, तो हमारा एक कार्य का क्रम बना रहेगा और हम कार्य को लयपूर्ण ढंग से संपन्न कर पाएंगे। तीसरी चीज़ है मांसपेशियों का कुशलता पूर्वक प्रयोग। किसी भी कार्य को करने में श्रम के साथ साथ, शक्ति का व्यय करने के साथ साथ हमारी मांसपेशियों का भी प्रयोग होता है। यदि हम अपनी मुट्ठी को ऑल टाइम बांधे रहें और उसके बाद हम जब इसको खोलते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हमारी उंगलियां खुलने में थोड़ा सा दर्द प्रतीत होता है हमें, कि इसमें हमें दर्द हो रहा है। या एक ही पोस्चर में हम कोई डोरी या रबर बैंड अपने हाथ पे या पैर पे कहीं कस के बांध लें और थोड़ी देर बाद जब उसको खोलते हैं, तो हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर रक्त का संचार प्रॉपर नहीं हो पाने की वजह से हल्का से दर्द का अनुभव हो रहा है या एक झंझनाहट सी महसूस हो रही है। तो ऐसा ही हमारे किसी भी कार्य को करने के दौरान हमारी मांसपेशियों का यदि सही प्रकार से प्रयोग नहीं हो पाएगा या बहुत अधिक प्रयोग होगा, तो हम दर्द का और कष्ट का अनुभव करते हैं। तो हमें अपने कार्य को सरलीकृत करने के लिए आवश्यक है कि हमारी मांसपेशियों का सही ढंग से प्रयोग होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमें मंदिर की सीढ़ी चढ़ने के लिए रोज कहा जाए, तो हम सरलतापूर्वक उसको चढ़ने लगेंगे। पहले दूसरे दिन दिक्कत होगी, तीसरे दिन दिक्कत होगी, चौथे पांचवें दिन से हमको आदत हो जाएगी और हम उतनी सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे। लेकिन जो पहले दिन हमने दिक्कत का अनुभव किया, वो मांसपेशी थकान की वजह से अनुभव किया, दूसरे दिन जो अनुभव किया वो मांसपेशी थकान की वजह से अनुभव किया। तो कार्य को सरलीकृत करने के लिए ज़रूरी है कि मांसपेशी थकान उत्पन्न होने से पहले ही उस थकान को दूर करने की व्यवस्था कर दी जाए। अब इन तीनों पॉइंट को अगर हम नोटिस करते हैं, तो ये तीनों ही चीज़ें हमारे कार्य सरलीकरण को प्रभावित करने वाले तत्वों के रूप में समझी और जानी जाती हैं। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट हमारा है कि गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जो है वो हमें जी पॉइंट के रूप में देखने को मिलता है, जो कि हमें ज़मीन से प्राप्त होता है। आप सभी ने न्यूटन का एप्पल गिरने वाला जो लॉ है वो पढ़ा और सुना होगा कि कोई भी चीज़ गिरती है तो वो हवा में नहीं रहती है, वो ऊपर से नीचे की तरफ ही आती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पृथ्वी है उसमें गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। तो इसी प्रकार से यदि हमारा शरीर गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ओर जाने वाले भागों में नियंत्रित रहे और हमारे उन भागों का प्रयोग करें, तो हम किसी भी कार्य को कम ऊर्जा व्यय करके सरलतापूर्वक सरलीकृत ढंग से संपन्न कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि शरीर का भार जो है वो किसी भी कार्य को करते समय हमारे शरीर के निकट अंगों की तरफ हो, जहाँ पर कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र को हम प्राप्त कर सकें और अपने कार्य को सरल ढंग से संपन्न कर सकें। इसके अतिरिक्त एक हमारी और जो आवश्यकता है, जो हमारे कार्य सरलीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व के रूप में समझी जा सकती है, वो है कि हम अपने कार्य को सरलीकृत करते करते वेग का लाभ भी उठा सकें। वेग का लाभ से तात्पर्य है कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं, यदि वह स्वच्छंद तरीके से किया जा रहा है और उसमें हमें थकान कम से कम हो रही है, तो वो सरल ढंग से सही समय पे कम शक्ति व्यय करके संपन्न हो सकता है। उस कार्य में यदि रुकावट नहीं आ रही है, आप कोई कार्य कर रहे हैं बीच में फ़ोन बज रहा है, आप कोई कार्य कर रहे हैं बीच में कोई बेल बज जाती है, आप कोई कार्य कर रहे हैं कोई आ जाता है, आप कोई कार्य कर रहे हैं अन्य किसी कार्य को करने लगते हैं, तो आपका पहला वाला कार्य प्रभावित हो जाता है। तो हम आपसे बताना ये चाहते हैं कि ऐसे कार्य को संपन्न करना जिसके बीच में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए, उसे हम वेग का लाभ उठाने के रूप में समझ सकते हैं। अब तीसरी चीज़ आती है कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्य क्षेत्र का तात्पर्य है
ऐसा स्थान जहाँ पे हम अपना कार्य संपन्न कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में हमें कार्य करने की स्वतंत्रता यदि मिलती है तो हमारा कार्य कम शक्ति व्यय करके सरल ढंग से संपन्न हो जाता है, और यदि हमें स्वच्छंद तरीके से कार्य करने की अनुमति नहीं मिलती है तो हमारा वही कार्य बाधित हो जाता है। स्वच्छंद तरीके से कार्य करने से तात्पर्य है कि ऐसा स्थान जहाँ पे हमारे हाथों को, पैरों को और हमारे शारीरिक स्थिति को स्वतंत्रता पूर्वक मुड़ने की, झुकने की, खड़े होने की अनुमति हो। मान लीजिए आपको कोई कार्य करना है, स्ट्रेट खड़े होकर, झुकना नहीं है, आपके आसपास कोई स्पेस नहीं कि आप झुक सकें, या आपको कोई कार्य करना है जिसमें आपको झुके झुके कार्य करना, आप सीधे नहीं खड़े हो सकते, या आपको कोई कार्य करना है जिसमें आप अपने हाथों को फैला नहीं सकते, हाथों को मोड़ नहीं सकते, सिर को उठा नहीं सकते, सिर को झुका नहीं सकते, तो ये जो आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो सीमाएं निर्धारित हैं, इन सीमाओं में यदि आपको कार्य करना होता है तो आपको कष्ट का अनुभव होता है। जबकि अन्य कार्यों को करने के लिए यदि आपका शरीर स्वतंत्र है, आप अपने हाथों पैरों को फैला सकते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक कोई भी कार्य कर सकते हैं, तो आप सरलतापूर्वक कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको छोटे से बर्तन में ज़्यादा सा आटा गूंथना हो तो आपको दिक्कत होगी, वहीं अगर आपको ज़्यादा आटे के लिए बड़ा बर्तन दे दिया जाए तो आपको सरलता का अनुभव होता है। ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, ये जो हम कार्य कर रहे हैं, कार्य कार्यकर्ता के रूप में किसी विशेष कार्य क्षेत्र में, तो हमें कुछ प्रयासों को भी करना पड़ता है जिसके द्वारा हम अपने कार्य को सरलीकृत कर सकते हैं। ये प्रयास कौन कौन से होते हैं, जैसे मानसिक प्रयास, शारीरिक प्रयास, मोड़न का प्रयास और पद प्रयास। जो हमारा मानसिक प्रयास है, मानसिक प्रयास का तात्पर्य है जब भी हम कोई प्रबंधन से संबंधित कार्य करते हैं तो उसमें हमारे विचार, हमारे तर्क, हमारे निर्देशन, हमारा निर्णय, वार्तालाप, संवाद, सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जब हम किसी कार्य से संबंधित कोई शारीरिक प्रयास करते हैं, जैसे हिलना, डुलना, मांसपेशियों का प्रयोग करना, जैसे आप सब्जी काट रहे हैं तो आपकी अंगूठा और उंगलियां दोनों यूज़ होती हैं, या आप दाल चावल बीन रहे हैं तो आपकी आँखें उसमें, चक्षु प्रयास आप कर रहे हैं, आँखों का प्रयोग कर रहे हैं, या आप विसिल बजने को सुन रहे हैं तो आप अपने कानों का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो आपके इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये आपके शारीरिक प्रयास के अंतर्गत ही शामिल हैं। आप दूर से खड़े होकर निरीक्षण कर रहे हैं किसी चीज़ का, या आप उस स्थिति विशेष का उस टाइम पंक्चुअलिटी के साथ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ये सब आपके शारीरिक प्रयास के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आता है आपका मोड़न का प्रयास। मोड़न के प्रयास को हम आपके फिजिकल मेंटल एफर्ट से अलग शामिल करते हैं। मोड़न को हम टॉर्सल इफेक्ट के रूप में समझ सकते हैं, जिसमें कि आपका झुकना, मुड़ना, बैठना, उठना, घुटनों के बल खड़े होना आदि शामिल किया जाता है, और कुछ अंशों तक अपने शरीर को मोड़कर यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो वो हमारे टॉर्सल इफेक्ट में शामिल होता है। इसके बाद हमारा आता है पद प्रयास। पद प्रयास को हम किस प्रकार समझ सकते हैं? पद प्रयास का तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पद का प्रयोग करके चलते हैं। जैसे मान लीजिए आप दूध बॉयल कर रहे हैं या कुछ पका रहे हैं, बीच में आप उसको धोने के लिए अपने सिंक तक जाते हैं, फिर सिंक से आप फ्रिज तक जाते हैं, फिर फ्रिज से आप वापस गैस तक आते हैं, अपने कुकिंग रेंज तक आते हैं, या ये जो आपने एफर्ट्स किए ये आपके प्रयास को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो पद प्रयास का प्रयोग हम करके, शारीरिक प्रयास का प्रयोग हम करके, टॉर्सल इफेक्ट का प्रयोग हम करके, मानसिक प्रयास का प्रयोग हम करके अपने कार्य को सरलीकृत करते हैं। कार्य को सरलीकृत करने के लिए विभिन्न पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं में शारीरिक शक्ति का प्रयोग करना समानता देखने को मिलता है। ये हमारी अवस्था पर निर्भर करता है कि हम शरीर की जो भी क्रिया करने जा रहे हैं, जो भी हम शारीरिक श्रम करने जा रहे हैं, हम जीवन की किस अवस्था से गुजर रहे हैं। यदि हम प्रथम अवस्था में हैं तो हमारे अंदर शक्ति अधिक होती है। हम सिर्फ पति पत्नी के रूप में अपने परिवार का जो भी कार्य है, अपने घर का जो भी प्रबंधन है, उसे संपन्न करते हैं और शारीरिक ढंग से कम शक्ति का व्यय करके सरलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। लेकिन जब हम पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में होते हैं, हमारे परिवार में
बढ़ोतरी हो जाती है, बच्चों का प्रवेश हो जाता है और बच्चों के कार्यों को भी हमें स्वयं संपन्न करना पड़ता है। उन कार्यों को हम जब स्वयं संपन्न करते हैं तो हमारी शक्ति जो है वो दोगुनी खर्च होती है और हमारे अंदर शक्ति जो है धीरे धीरे उम्र के साथ साथ कम होती जाती है। जितना ज़्यादा शक्ति का हम प्रयोग करते हैं उतनी ज़्यादा शक्ति हमारी व्यय हो रही है, परंतु उतनी तीव्रता से शक्ति का संचार हमारे अंदर नहीं हो रहा होता। क्यों? क्योंकि हम अपने ग्रोथ पीरियड को पूरा कर चुके हैं और अब हम उसी पर स्थिर रहते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। चूँकि शक्ति अधिक खर्च हो रही है और उतनी शक्ति में प्राप्त नहीं हो रही है तो हमारा कार्य उतना सरलीकृत नहीं हो पाता है। लेकिन यदि हम कार्य सरलीकृत करने के ढंग का प्रयोग करते हैं, कार्य को सरल ढंग से करते हैं या उन नियमों का पालन करते हैं जिससे कि कार्य को सरल किया जा सकता है, तो हमें कम से कम थकान का अनुभव होगा और कम समय में हम अधिक कार्य को संपन्न कर पाएंगे। यदि हम जीवन की तृतीय अवस्था में हैं तो हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो किशोरावस्था या बाल्यावस्था में प्रवेश कर चुके हैं और हम अपने कार्यों के लिए उन बच्चों का भी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी शक्ति का व्यय कम होता है और हमें थकान का अनुभव भी कम होता है और हम अपने कार्यों को सरल ढंग से संपन्न कर सकते हैं। ऊर्जा भी हमारी इसमें कम व्यय होगी। और यदि हम अपने जीवन की चौथी अवस्था में हैं, यानी कि पारिवारिक जीवन चक्र की चतुर्थ अवस्था में, जब हम वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे होते हैं, उस दौरान हमारे अंदर शक्ति क्षीण होने लगती है और हम अपने कार्यों को अनुभव के आधार पर संपन्न करते हैं। थकान का अनुभव हमें अधिक होता है और सरल ढंग से कार्यों को हम संपन्न नहीं कर पाते। परंतु इन चारों ही अवस्थाओं में यदि हमें कार्य सरलीकृत करने का तरीका पता हो, उसका ढंग पता हो, उसके नियम पता हो, तो हम कम शक्ति व्यय करके कम समय में कम श्रम के साथ अपने कार्यों को सरलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। कार्य सरलीकरण के लिए मुंडेल ने कुछ परिवर्तन वर्ग दिए हैं। आप जानना चाहेंगे कि मुंडेल कौन है? मुंडेल एक बहुत बड़े ग्रह प्रबंधक थे। उन्होंने अपने अध्ययन से संबंधित प्रयोगों के आधार पर यह ज्ञात किया कि हम अपने कार्य को किस प्रकार से संपन्न करें कि वो सरलीकृत तरीके से प्रस्तुत हो सके और उसमें कम से कम श्रम और कम से कम समय का प्रयोग हो। मुंडेल ने परिवर्तन के कुछ वर्ग बताए हैं। मुंडेल ने परिवर्तन के तीन वर्ग बताए हैं। पहला बताया है हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन से तात्पर्य है कि जब भी हम किसी कार्य को संपन्न करते हैं और उस कार्य को करने में हमें अपने हाथों को और शरीर का प्रयोग करना पड़ रहा है और यदि हम उनके स्वरूप में उनकी क्रियाओं में परिवर्तन कर लेते हैं तो हम अपने कार्य को सरल ढंग से पूर्ण कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने बताया है कार्य संग्रहीकरण स्थान एवं उपकरण में परिवर्तन। कार्य संग्रहीकरण से तात्पर्य है एक जैसे कार्यों को एक साथ संग्रहित करा जाए, उनके लिए स्थान और उनके लिए उपकरण जो भी हमने प्लान किया यदि उसमें परिवर्तन कर दिया जाए तो हम अपने कार्य को सरलीकृत ढंग से संपन्न कर सकते हैं। तीसरा इन्होंने बताया कि उत्पाद में परिवर्तन यदि कर दिया जाए तो भी हम अपने कार्य को सही ढंग से सरल प्रकार से सरलीकृत ढंग से संपन्न कर सकते हैं। तो हाथों और शरीर के गतियों में परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि यदि एक कार्य को करने में हम निपुण हैं तो उसके जैसे कई कार्य हमारे द्वारा यदि किए जाएंगे तो हम सरल ढंग से संपन्न कर सकते हैं, उसमें हमारी कुशलता का प्रदर्शन सही प्रकार से हो पाएगा। हम अपनी अवस्था, अपने प्रयोगों के आधार पर, अपनी निपुणता के आधार पर अपने कार्य को सरलीकृत कर सकते हैं। हमारे कार्य में गति आ जाएगी। यदि हम उस कार्य में कुशल हैं तो निश्चित रूप से हमारा अनुभव उस कार्य के लिए होगा। हम उसमें गलतियाँ नहीं करेंगे और जब हम गलतियाँ नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से समय भी हमारा कम लगता है। दूसरी चीज़ हमने आपको बताई कार्य संग्रहीकरण, यानी कि एक जैसे कार्यों को एक जगह संग्रहित कर दिया जाए तो उनका किया जाना संपन्न सफल हो सकता है, उसको हम सही तरीके से कर सकते हैं, सरलीकृत तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपको बर्तन धोने हैं, एक जैसे बर्तनों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और उनको साफ किया जाए और आप अगर इसका एक कंपैरेटिव प्रयोग करके देखें, एक तुलनात्मक प्रयोगात्मक अध्ययन करके देखें, तो आप पाएंगे कि यदि आपने कई तरीके के बर्तन और एक जैसे बर्तनों को एक निश्चित समय अवधि में धोया है
तो आप पाएंगे कि निश्चित रूप से एक जैसे बर्तनों को धोने में आपको कम समय कम श्रम लगा होगा। आपको कार्य यदि सरल करना है तो ये प्रयोग आप बार बार अपना सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने आपको बताई कि आपका स्थान और उपकरण यदि परिवर्तित कर दिया जाए, जैसे आपका स्थान मान लीजिए आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, पका रहे हैं, चला रहे हैं, पीस रहे हैं, बीन रहे हैं, यदि वो आपके सिर के लेवल के ऊपर है तो उसमें आपको दिक्कत का अनुभव होगा। यदि वो आपकी आई लेवल पे है तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत कम होगी। यदि वो आपके नेवल पॉइंट पे है तो वो आपके लिए आसान है। मान लीजिए आपको अपने सिर के ऊपर कोई चीज़ रख के बीननी हो, देखनी हो या उठानी है तो उसमें आपको दिक्कत का अनुभव होता है। या आप अगर कहीं किसी हैंगर पे कोई कपड़े डालते हैं, वो हैंगर आपकी हाइट से ऊपर है तो आपको उस पे हैंगर में कपड़े डालने में दिक्कत होती है, या हाइट से बहुत नीचे तो भी दिक्कत होती है। अगर आपको किसी बकेट से कपड़े निकाल के फैलाने हैं तो वो बकेट अगर आपको बार बार झुकना है, फिर उठना है, फिर सीधे होना है, फिर फैलाना है, तो वो आपके लिए दिक्कत की बात है। अगर वो बकेट आपके नेवल पॉइंट पर रखा है तो उससे कपड़े निकाल के फैलाना आपके लिए सरल हो जाता है। तो ये क्या है कि आपने स्थान उसका बदल दिया, आपने उसका उपकरण बदल दिया। मान लीजिए आपको मसाला पीसना, मसाला पीसने के लिए आप सिल का प्रयोग करते हैं, आप बटने का प्रयोग करते हैं, तो आप सिलबट्टे में ना पीस के आप मिक्सी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि आपका उपकरण परिवर्तित हो गया। अगर छोटे बर्तन में आपको चाय बनाने में बार बार चाय आपकी बॉयल हो जा रही है तो आप चाय के अमाउंट के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कंटेनर ले सकते हैं, ये आपके कार्य को सरल करने में सहयोग करेगा। इसी प्रकार से आप अपने उत्पाद में परिवर्तन करके भी अपने कार्यों को सरलीकृत कर सकते हैं। उत्पाद में आप कैसे परिवर्तन करेंगे, मान लीजिए आपने चाशनी बनाई दो तार की, आपको चाहिए थी तीन तार की। अब आपको अंदाज नहीं लगा कि हमारी चाशनी तैयार हो गई है या नहीं तैयार हो गई है, आपने उसको अपने जो भी प्रिपरेशन करनी है उसके लिए मिक्स कर दिया। अब आप उसको अलग नहीं कर सकते। आपने प्लान किया था कि आप बर्फ़ी बनाएंगे, तो अगर आपकी बर्फ़ी नहीं बन पा रही है तो आप लड्डू बना के भी काम चला सकते हैं। इसे कहते हैं उत्पाद में परिवर्तन करना। या आपके पास एट ए टाइम कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, आपने सोचा है कि आप मलाई कोफ्ता बनाएंगे और आपके पास मलाई ही नहीं है, खाली कोफ्ते की सब्ज़ी भी बना सकते हैं, इसे कहते हैं उत्पाद में परिवर्तन करना। आप उत्पाद का तरीका बदल दीजिए, आप अपने कार्य को सरलीकृत ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। तो मुंडल के जो परिवर्तन वर्ग हैं उनका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हम अपने कार्य को सरलीकृत ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। एक जैसे कार्यों को एक साथ करें, अपने शरीर की गतियों और मांसपेशियों का ध्यान रखें, कार्य क्षेत्र उचित रखें, कार्यकर्ता के द्वारा उत्पाद में परिवर्तन की व्यवस्था रखें, तो हम अपने कार्यों को सरलीकृत कर सकते हैं। हम जो भी घरेलू कार्य करते हैं गृहिणी के रूप में, उनको करने के लिए हमें एक प्लान तैयार करना चाहिए जिसमें कि हम अपने व्यक्तिगत कार्यों को, अपने पारिवारिक कार्यों को, अपने दैनिक कार्यों को, साप्ताहिक कार्यों को, मासिक कार्यों को और वार्षिक कार्यों को विभाजित कर लें और उसी को क्रम बनाकर उसी के अनुरूप कार्य करें। ये नहीं कि हम डेली अपने घर के कर्टन धो रहे हैं, डेली हम पूरे घर को साफ सफाई के रूप में उसके लिए कार्य करने में लगे हुए हैं कि झाड़ू पोछा लगना ज़रूरी है। अगर हम बीमार हैं तो झाड़ू पोछा लगना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। यदि हमारा घर बहुत बड़ा है तो हम रोज़ पूरे घर की सफाई नहीं कर सकते, उसमें हमारा समय भी जाएगा, श्रम भी खर्च होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सा काम कब कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या उपकरण लगेंगे और हमारी शारीरिक मानसिक स्थितियाँ उसमें कैसे सहयोग कर सकती हैं, कैसे हम उसे सरलीकृत ढंग से संपन्न कर सकते हैं। यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने आकस्मिक कार्यों के लिए भी समय निकाल पाएंगे और अपने श्रम को कम प्रयोग करके कम समय में अपने कार्य को सरलीकृत ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। कार्य को सरलीकृत करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के आधार पर कुछ तरीके बताए गए हैं, जो कि अब हम आपको बताएंगे कि कार्य को हम कैसे सरलीकृत कर सकते हैं। कार्य को सरलीकृत करने के लिए जो तरीके हैं उसमें कुछ औपचारिक तरीके हैं, कुछ अनौपचारिक तरीके हैं। जो औपचारिक तरीके हैं वो विशेष रूप से प्रयोगशाला में अपने आए जाते हैं, प्रयोगशाला में ही उनका प्रयोग किया जाता है। कार्य सरलीकरण के जो तरीके हैं उसमें औपचारिक विधि के अंतर्गत आता है माइक्रोमोशन फिल्म विश्लेषण, साइकिल ग्राफ विधि, मेमोमोशन विधि और स्टॉप वॉच विधि। ये सारे ही तरीके जो हैं हम अपने कार्य को सरलीकृत करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसके द्वारा हम अध्ययन करते हैं कि हमारा कार्य सरलीकृत ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है।
अब इनके अंतर्गत क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। जो हमारा माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण है, ये विशेष रूप से प्रयोगशाला में अपनाया जाने वाला ही एक माध्यम है। इसमें कार की गति का हम चित्र बनाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं उसको रिकॉर्डर की सहायता से, और जो सामान्य स्थितियां हैं उसमें चित्र बनाते हैं। फिर दोनों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है कि जो हमने सामान्य स्थितियों में रिकॉर्ड किया गया चित्र था उसको, और जब हमने कार्य के दौरान रिकॉर्डिंग करी है उसको जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो दोनों में कितना अंतर पाया गया। इसके लिए हम एक चार्ट का प्रयोग करते हैं, चार्ट के माध्यम से इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसमें समय और उपकरण दोनों को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा हमारा दिया गया है साइकिल ग्राफ विधि। साइकिल ग्राफ विधि का प्रयोग हम कब और क्यों करते हैं? साइकिल ग्राफ विधि का प्रयोग करने के लिए हम एक फोटोग्राफिक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसमें कि शरीर की गतियों का अध्ययन सूक्ष्मता के साथ होता है। इसमें शरीर के किस भाग ने कार्य किया, कितनी मात्रा में कार्य किया, उसको हम बल्ब की लाइट के माध्यम से क्रियाओं को अंकित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और साइकिल ग्राफ विधि का प्रयोग करके हम देखते हैं कि जो गतियां हो रही हैं उन गतियों के दौरान प्रकाश का जो प्रभाव है वो किस पर कब कितना पड़ रहा है, इसको हम एक रेखीय चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं। दोनों हाथों के बीच जो हमारी जो मांसपेशियाँ प्रयोग में लाई जा रही हैं उनमें हमने किस मांसपेशी का कहाँ प्रयोग किया। जैसे मान लीजिए आलू छील रहे हैं तो हमारा आलू छीलते समय यदि हम राइट हैंड से काम करने वाले व्यक्ति हैं तो एक जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो वर्किंग में उतना नहीं रहेगा, सिर्फ वो सपोर्टिव रहेगा। हम सिर्फ अपने दो अंगूठे और उंगली का प्रयोग करके आलू छीलने के लिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं, बाकी की उंगलियाँ हमारी जो हैं वो कंट्रोल में हैं, वो प्रयोग में नहीं लाई जा रही हैं। तो ये अध्ययन करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे हम क्रोनोसाइकिल विधि के रूप में भी जानते हैं। इसमें हम प्रकाश की उपस्थिति को जोड़ते हैं, को नोट करते हैं और फिल्म के रूप में इसको बाद में प्रदर्शित करते हैं कि हमारे द्वारा जो कार्य किया गया है वो कैसे किया जा रहा है। तीसरा हमारा आता है मेमो मोशन मेथड। जो हमारा मेमो मोशन मेथड है, इस विधि में हम प्रतीकों के माध्यम से कार्य की जो विधियां हैं उनको प्रदर्शित करते हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं और उपकरण की सहायता से हम जिन कार्यों को संपन्न कर रहे हैं उसमें कितनी गतियां प्रयोग हो रही हैं उसका फ्रेम बनाकर गणना करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्टॉप वॉच टेक्निक। स्टॉप वॉच टेक्निक प्रयोग विशेष रूप से हम रेस वगैरह के दौरान करते हैं, लेकिन स्टॉप वॉच टेक्निक का प्रयोग हम यहाँ पर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टॉप वॉच है उसमें हम सेकंड के अंदर भी जा सकते हैं कि कितने सेकंड के किस भाग में हम उसके 0.036वें भाग तक पहुँच सकते हैं। एक सेकंड का ये भाग जो है, ये एक सेकंड का 0.036वां भाग जो होता है वो एक मिनट में 0.0006वें भाग के बराबर कार्य को प्रदर्शित करता है। इसकी सहायता से हम सेकंड के अंदर जाके और सेकंड के अंदर जाकर भी माप कर सकते हैं, और उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। अब हमारी जो अनौपचारिक विधियां हैं, अनौपचारिक विधि में विशेष रूप से पेन पेंसिल विधि, अनौपचारिक विधि का जो प्रयोग हो रहा है वो प्रयोगशाला के अंदर नहीं होता है, इसे हम जिस स्थान विशेष पर कार्य कर रहे हैं वहाँ पर संपन्न कर सकते हैं। पेन पेंसिल विधि में भी चार मेथड अपनाए जाते हैं, चारों मेथड अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। पहला हमारा है प्रोसेस चार्ट, दूसरा है ऑपरेशन चार्ट, तीसरा है मल्टीमैन चार्ट और चौथा है पाथवे चार्ट। हमारा जो प्रोसेस चार्ट है उसमें हम कार्य को करने के प्रोसेस को चार्ट के माध्यम से दर्शाते हैं, लेकिन इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है कि जो भी हम दर्शा रहे हैं उसके लिए हम प्रतीक बनाते हैं। प्रतीकों का प्रयोग इसमें किया जाता है। कौन कौन से प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। प्रतीकों का प्रयोग करके हम ये दर्शाते हैं कि कोई भी कार्य करने में हम कितनी बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, कितनी बार हमने क्रिया को प्रदर्शित किया, कितनी बार हमने किसी कार्य के गुण मात्रा का निरीक्षण किया, कितनी उसमें रुकावटें आईं
और कितनी बार क्रिया और गति हमने एक साथ करी। इसके लिए हमने कुछ चिन्ह निर्धारित किए होते हैं। इन चिन्हों को अभी हम आपको लेक्चर के अंत में बताएंगे कि किस मेथड में कौन सा चिन्ह किस उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। इसी प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग हम अपने ऑपरेशन चार्ट में भी करते हैं। उसमें हम अलग प्रतीकों से अलग प्रदर्शन करते हैं। प्रोसेस चार्ट और हमारा जो ऑपरेशन चार्ट है वो लगभग एक समान ही होता है, बस उसमें प्रयोग में लाए जाने वाले प्रतीक अलग अलग प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें हम उंगलियों के आलस को भी प्रदर्शित करते हैं। उंगलियों के आलस से तात्पर्य है कि कौन सी उंगलियां क्रियाशील हैं और कौन सी उंगलियां रेस्ट में हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि आलू छीलते समय हमारा एक अंगूठा और कुछ उंगलियां एक्टिव हैं और बाकी की उंगलियां रेस्ट में हैं, तो जो उंगलियां रेस्ट में हैं उन्हें हम आलस का नाम देखकर प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट हमारा है मल्टीमैन चार्ट। इसमें हम कार्य के दौरान किए जाने वाले अलग अलग व्यक्तियों का कंपैरेटिव अध्ययन करते हैं, यानी कि ऐसा चार्ट हम प्रिपेयर करते हैं जिसमें कि हम प्रोसेस तो प्रदर्शित करते ही करते हैं, इसमें एक ही समय में किसी क्रिया को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किए जाने को प्रदर्शित करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं और तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा हमारा आता है पाथवे चार्ट। पाथवे चार्ट जो है वो विशेष रूप से श्रीमती गिलवर्थ के द्वारा दिया गया था। ये एक टेक्निक है। इस टेक्निक में हम सामान्य कार्य के लिए एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं और उसको डोरे की सहायता से नाप लेते हैं। इसमें प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी हम इसको बिना प्रयोगशाला के भी प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको हमने औपचारिक विधि के अंतर्गत नहीं रखा है। अब ये जो प्रयोग किया जाता है, इस प्रयोग के दौरान हम किसी मकान का या किसी स्थान विशेष का एक फ्लोर तख्ते के ऊपर बना लेते हैं और उस पर बनाने के बाद उसको धागे की सहायता से उसके स्थान विशेष को, उसकी दूरी को, लंबाई को नाप लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ मुड़ रहा है, किस किस स्थान पर मुड़ेगा, कहाँ कहाँ पर सीधा हो रहा है। उसके बाद हम यही प्रक्रिया पुनः अपनाते हैं एक्चुअल प्लान के ऊपर और फिर दोनों डोरों की लंबाई नापते हैं कि सच में हमने कितनी बार मुड़ने का कार्य किया, कितनी बार झुकने का कार्य किया, किस कार्य को करने के लिए किस स्थान दूसरे स्थान पर हम गए और हमने एक जो रफ तैयार किया था उसमें हमने कितने धागे का प्रयोग किया। दोनों धागों की लंबाई नाप के ज्ञात किया जाता है कि हमारे द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है वो सरल हो रहा है या सरल नहीं हो रहा है। इसमें एक मौलिक चार्ट बनाया जाता है और एक संशोधित चार्ट बनाया जाता है। कार्य को सरलीकृत ढंग से प्रयोग में लाने के लिए जो प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं उसमें जो स्मॉल सर्किल है ये दर्शाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति, जो बड़ा सर्किल है वो क्रिया का प्रदर्शन दर्शाता है, स्क्वायर गुण या मात्रा का निरीक्षण करना दर्शाता है, ट्राइंगल रुकावट को दर्शाता है और डार्क सर्कल क्रिया गति को साथ साथ होना प्रदर्शित करता है। इन प्रतीकों का प्रयोग हम जब किसी चार्ट पर करते हैं और तुलनात्मक अध्ययन करते हैं उसके आधार पर हम ज्ञात करते हैं कि किसी भी कार्य को करने में हमने कितनी बार रुकावट का प्रयोग किया, कितनी बार हमने कार्य गति साथ साथ करी, कितनी बार हमने गुण का निरीक्षण किया। फॉर एग्जाम्पल, हमने दूध उबालने के लिए पहले फ्रिज खोला, फ्रिज से हम गैस तक आए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हुआ, फिर हमने दूध को गैस पर चढ़ाया, क्रिया का प्रदर्शन हुआ, फिर हमने बीच बीच में दूध को ऑब्जर्व किया कि दूध बॉयल तो नहीं हो गया, तो ये गुण या मात्रा का निरीक्षण हुआ। इसी बीच में यदि कोई आ जाता है, बेल बजती है, तो ये रुकावट का प्रदर्शन कर रहा है। और जब हम क्रिया गति साथ साथ कर रहे हैं, यानी कि दूध भी उबाल रहे हैं और जल्दी जल्दी बात भी कर रहे हैं या किसी को अटेंड भी कर रहे हैं, तो ये क्रिया और गति साथ साथ है। तो इस तरह की एक्टिविटी को प्रदर्शित करने के लिए हम इन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं और कार्य को सरलीकृत ढंग से किए जाने के लिए इनका सहयोग लेते हैं। धन्यवाद।